नमस्कार श्रोताओं, आज हम आपको बताने जा रहे हैं महाभारत के युद्ध की असली वजह। आप इस महाभारत के युद्ध की असली वजह सुनकर कांप जाएंगे। तो श्रोताओं, ध्यान से सुनिए ये कथा। ऋषि पाराशर के बारे में तो आप सभी शायद जानते ही होंगे। वो बहुत ही विद्वान, योग सिद्धि, परिपूर्ण एवं महान ऋषि थे। एक दिन वो नौका में बैठकर नदी पार कर रहे थे, तभी उनकी नजर एक स्त्री पर पड़ी जो नौका चला रही थी। वह मछुआरे की पुत्री सत्यवती थी। ऋषि पाराशर उसके सौंदर्य और रूप और यौवन पर मंत्रमुग्ध हो गए थे। उन्होंने उससे प्रेम करने की इच्छा जाहिर की, पर सत्यवती बोली कि हे ऋषि, मैं ऐसे अनैतिक कार्य करने के लिए पैदा नहीं हुई हूँ। लेकिन पाराशर ऋषि उससे बार बार अनुग्रह करने लगे। तब सत्यवती बोली कि ठीक है ऋषि, मेरी 3 शर्तें हैं। ऋषि पाराशर बोले, कहो तो सत्यवती। तो सत्यवती ने कहा, मेरी पहली शर्त है, हमें संभोग करते हुए कोई नहीं देखेगा। ऋषि पाराशर ने उनकी यह शर्त मानते हुए एक ऐसे द्वीप का निर्माण किया जहाँ पर कोहरा ही कोहरा था, जहाँ पर कोई किसी को नहीं देख सकता था। तब सत्यवती ने दूसरी शर्त कही कि मेरे शरीर से जो मछली की दुर्गंध आती है वह आनी बंद हो जाए और मेरे शरीर में फूलों की खुशबू आने लगे। ऋषि पराशर ने उनकी इस इच्छा को भी पूरा कर दिया। उसके शरीर से मछली की गंध आनी बंद हो गई और उसके देह से फूलों की खुशबू महकने लगी। तब उसने अपनी तीसरी शर्त कही कि सहवास के बाद जो पुत्र वह धारण करेगी वह महाज्ञानी होना चाहिए, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, कोई मछुआरा नहीं होना चाहिए। तब ऋषि पराशर ने भी उसकी इस इच्छा को तथास्तु कहकर परिपूर्ण किया और साथ में एक वरदान भी दिया कि सहवास के बाद भी उनका कौमार कायम रहेगा। तीनों वचनों को पूरा करने के बाद ऋषि पराशर और सत्यवती ने कोहरे से भरे द्वीप पर संभोग किया और 9 महीने बाद सत्यवती ने एक पुत्र को जन्म दिया जो शुरू से ही बहुत ज्ञानी था। सत्यवती और पराशर की संतान का रंग काला था, जिसकी वजह से उनका नाम कृष्ण रखा गया, जो बाद में चलकर वेद व्यास के नाम से विख्यात हुआ। माना जाता है कि सत्यवती और महर्षि पराशर ने अगर संबंध ना बनाए होते तो वेद व्यास का जन्म ही ना होता, और वेद व्यास का जन्म ना होता तो पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर भी ना होते। तीनों ना होते तो महाभारत भी ना होती। तो श्रोताओं, क्या ये तथ्य आप पहले से ही जानते थे? अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।